जो महिलाएं खड़ी हैं ये जनपद जालौन की मानव मल ढोने वाली बाल्मीकि समुदाय की महिलाएं हैं जो आज भी अपने गांव में मानव मल ढोने का काम करती हैं। पूरे भारत में ये बड़े पैमाने पर मानव मल ढोने का काम आज भी बखूबी जारी है, लेकिन ये महिलाएं लगातार इस कुप्रथा के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। और आज इनका जो घोषणा पत्र है उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि मैला ढोने की पूर्ण समाप्ति व संलिप्त परिवारों के सम्मानजनक स्थायी पुनर्वासन के लिए स्वच्छकार समुदाय, सफाई कर्मियों, मैला ढोने वाले परिवारों का घोषणा पत्र 2019। आज इस अम्बेडकर माह में जब जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का सेलिब्रेशन हो रहा है, ये महिलाएं भी अपने हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र लेकर के और अपने हाथों में अपना घोषणा पत्र लेकर के यहाँ पर खड़ी हुई है और ये सरकार से डिमांड कर रही है, क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और बड़े पैमाने पर चुनावी समर है, लेकिन इस समर में इन महिलाओं की आवाज पूरी तरीके से दबती जा रही है। उसी आवाज को उठाने की कोशिश है और इस घोषणा पत्र में उन्होंने बहुत ही ठोस मांगे उन्होंने शामिल किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जनपद जालौन ही नहीं सही, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में ये मैला ढोने की प्रथा बंद होनी चाहिए। दूसरी मांग है उन्होंने कि इसकी जो कमेटियां हैं वो कमेटी निष्क्रिय है, कमेटियों को सक्रिय करते हुए जो महिलाएं आज भी पुनर्वासन से वंचित हैं उनको पुनः पुनर्वासित किया जाए, सरकार का जो कानून है उस कानून के हिसाब से इनको धनराशि दिया जाए और इन महिलाओं को सम्मानजनक स्थायी पुनर्वासन किया जाए। ऐसी मांगों को लेकर के आज बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन की बाल्मीकि समुदाय की महिलाएं, मैला ढोने वाली महिलाएं अपना घोषणा पत्र 2019 जारी कर रही हैं और आगे इस घोषणा पत्र को लेकर के विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ संवाद स्थापित करके इनके स्थायी पुनर्वासन की लड़ाई को लड़ा जाएगा। मैं कुलदीप कुमार बौद्ध, उत्तर प्रदेश।